हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई विनेश फोगाट ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट ने ओलंपिक 2024 में पदक न जीत पाने को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान विनेश ने कहा, जो लोग पेरिस ओलंपिक में उनकी हार से खुश हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इससे देश का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि बीते 1.5 साल से बीजेपी नेताओं की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। अगर ऐसा कहा जा रहा है कि वो खुश हैं कि मैं ओलंपिक में नहीं जीती, तो उन पर देशद्रोह का केस बनता है। ये मेडल मेरा नहीं है बल्कि पूरे देश का था, इसलिए उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट बीजेपी से खासा नाराज नजर आ रही हैं। वहीं विनेश ने बीजेपी पर पेरिस ओलंपिक्स के दौरान कोई मदद न करने के भी आरोप लगाए हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि बीजेपी वालों ने ओलंपिक मेडल को मेरा मेडल समझा, मेरी कोई मदद नहीं की। दुर्भाग्य देश का है, बीजेपी वाले इतनी ईगो पर बात ले गए कि उसे सिर्फ मेरा मेडल समझा। वो मेरा नहीं, देश का मेडल था। देश चाहता तो ला सकता था, वो कौन नहीं लेकर आए सबको पता है। इन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए इतना कुछ किया, मुझे कोई मदद नहीं मिली। इसके अलावा विनेश फोगाट ब्रिजभूषण शरण सिंह पर भी जमकर बरसती हुई नजर आई। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर सवाल का जवाब देते हुए विनेश ने कहा, ब्रिजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे प्रियजन मेरे साथ खड़े हैं और वो मेरे लिए मायने रखता है। इसके अलावा एक इंटरव्यू में ब्रिजभूषण के एक दिन में डबल ट्रायल के आरोपों पर विनेश ने कहा कि भगवान ने पहले इतनी हिम्मत नहीं दी, वरना बहुत सारी बच्चियां बच जाती, थप्पड़ मारने का भी टाइम आएगा। अगर मैं इतनी शक्तिशाली होती तो ब्रिजभूषण को जेल के अंदर नहीं डाल देती। हालांकि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने WFI पर नियंत्रण और भाजपा पर हमले की अपनी साजिश में फोगाट और पुनिया को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि 30 वर्षीय फोगाट को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जुलाना विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है और जमीनी स्तर पर उन्हें लोगों का भरपूर प्यार और सपोर्ट भी मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।